कांग्रेस 9 साल पर 9 सवाल दाग रही है तो पूरा विपक्ष 9 साल के संग्राम में मोर्चाबंदी कर रहा है। तो कांग्रेस का निशाना मोदी सरकार के 9 साल को लेकर 9 सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। 9 साल में जानलेवा महंगाई जो है उसने जनता को त्रस्त किया है, इसकी ओर ध्यान आकर्षित सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। बीजेपी ने जनता की कमाई जो है वो लूटी है। कांग्रेस दूसरा प्रश्न कर रही है, हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार पड़ी है। खड़गे का भी बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं बिगड़ा है बजट, जीना दुश्वार हुआ है और सरकार सोई हुई। जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला, ये दुख की बात है। और ऐसा एक बर्ताव अध्यक्ष के ओर से करना और इस ढंग से फंक्शन करना ठीक नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता है कि किसी को भी गौरव करना, लेकिन ये गौरव देने की बात थी, उन्होंने नहीं किया, ये ठीक नहीं है। सर, राजस्थान का विवाद आज सुलझ जाएगा क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आप मुलाकात करने वाले हैं, इस तरह की हाँ करने वाले हैं, आने के बाद ही मालूम होगा कि वो डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। सर मणिपुर सिचुएशन के लिए क्या ब्रीफ करने वाले हैं? उसके लिए हम मंगलवार के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम पूछे हैं, हम जाकर डेलीगेशन में जाकर उनसे मिलेंगे और मिलकर उनसे ये सारी चीजें बताएंगे। तो अब मोदी सरकार के 9 साल पर जहां बीजेपी की अपनी तैयारी है मेगा आयोजन की, केंद्रीय मंत्रियों को यह कहा गया है कि आप सीधे तौर पर जो विकास योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएं।